हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हमें उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर होंगे। बीकॉम पार्ट वन के जितने भी बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर रहे हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि हमारा जितना भी वीडियो आएगा जो आ चुका है उसे आप सीक्वेंस में देखिएगा। और जब भी आप देखें तो आप अपने सामने डॉक्टर बी एन गुप्ता की जो बुक है, अभी मैथमेटिक्स चला रहा हूँ मैं, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, तो वो आप ओपन करके और पेन पेपर के साथ बैठें ताकि मेरे साथ आप सॉल्व कर सकें। क्योंकि मैथ जो है वो सीखने की चीज़ है, और जब तक आप खुद से करके नहीं देखेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ाई को पढ़ाई की तरह करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं वीडियो देख लिए, कहीं रास्ते में चलते हुए वीडियो देख लिए, नहीं, वो नहीं देखना है, ठीक है। रास्ते में चलते हुए कुछ और कर लो, लेकिन वीडियो मेरा नहीं देखो, ठीक है। वीडियो अगर देखना है तो आप अपना एक एक्चुअल टाइम बनाओ पढ़ने का, ठीक है। किस टाइम को आपको पढ़ने हैं उस टाइम में आप वीडियो ओपन करो और अपने सामने बुक रखो, अपने सामने कॉपी रखो और पेन के साथ उसको लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो, उसे नोट करो, उसे प्रैक्टिस करो, तब जाकर कहीं आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें 100% समझ में आएगी, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि हमारी बात आप समझ रहे होंगे, करना क्या है आपको, ठीक है। तो बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ठीक है। मेरी कोशिश ये है कि बीकॉम पार्ट वन की जो क्लास चल रही है उसे मैं कंटिन्यू करते हुए आपको बहुत फ़ायदा दे सकूं, ठीक। तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। देखिए एक्सरसाइज एक बी का ये दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, मतलब टू का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ आपके सामने, अगर आपको दिखे तो पढ़ो। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। आपको दिया हुआ है श्रेणी 4, 7, 10, 148। मैं लिख दे रहा हूँ, अब ध्यान से देखना है इसको। क्वेश्चन नंबर टू है, ये जो एक्सरसाइज आपका है एपी का, एपी की एक्सरसाइज का एक के बी का ये दो का एक नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन पूछा है कि आप इन श्रेणियों का योगफल निकालो। 4 है, 10 है, 7 है। मैं 1 से 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। 7 है, 10 है और इसी तरीके से 148 है, ठीक है। मतलब यह है कि एक श्रेणी है, ये एपी है, और ये कहाँ से कहाँ तक गया है, तो 4 से शुरू हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 10 हुआ, बढ़ते बढ़ते ये 148 तक हुआ। 148 अंतिम पद हुआ, ठीक है। मतलब लास्ट पद आपका 148 है, वहाँ तक आपको जोड़ना है। मतलब ये 4 को जोड़ना है, 7 को जोड़ना है, 10 को जोड़ना है, इसी तरीके से सीरीज में जो कंटिन्यूअस वृद्धि हो रही है उस सबको जोड़ते जोड़ते 148 तक जोड़ना है, ठीक है। मतलब ये हो गया कि ये प्रथम पद हो गया और ये आपका अंतिम पद हो गया, ठीक। आपको अगर याद हो तो एस एन का जो सूत्र होता है वो होता है n/2, 2a + n-1 × d। आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें टर्म कितने, एन का वैल्यू कितना है, मतलब कितने टर्म है। अभी तक तो आपको 1, 2, 3, ये 3 दिख रहा है, बाकी इसमें भी बहुत सारे टर्म हैं, बढ़ते बढ़ते 148 तक आना है आपको। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्म है, ध्यान से समझना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्म है ये आपको नहीं पता है, ठीक है। आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो सीरीज दिया हुआ है इसमें मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी सीरीज आपको दिखे तो आपको दो चीज़ ढूंढ के लिख लेना है, कम से कम पहले आपको दो चीज़ लिख लेना है, ठीक है। एक आपको लिखना है ए का वैल्यू कितना है भाई मेरे, ये 4 हो गया। डी का वैल्यू लिखना है, डी का वैल्यू बढ़ता है, आगे बढ़ रहा है, तो 4, 4 से 7 होगा, मतलब 7 में से 4 को घटा लीजिए या आगे 10 में से 7 को घटा लीजिए आपको निकल जाएगा, तो डी का वैल्यू 3 हुआ, ठीक है ना। और एन का वैल्यू आपको पता करना पड़ेगा, एन नहीं पता है, ये जो है ये लास्ट टर्म है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टर्म ही है, 4 हुआ, 7 हुआ, 10 हुआ, बढ़ते बढ़ते 148, इसमें कितने पद है ये आपको नहीं पता है। तो एन का पद निकालने के लिए आपके पास सूत्र है क्या, टी एन का सूत्र है ना, ये टी एन मतलब लास्ट टर्म, तो टी एन बराबर क्या होता है, a + n-1 × डिफरेंस होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये एन नहीं पता है आपको, लेकिन ये पता है कि इसका जो वैल्यू है वो कितना है, 148 है। इसमें क्या क्या पता है, तो ए पता है 4 बैठा दिया, एन नहीं पता, एन को एन रहने दिया, -1, डी को 3 लिख दिया, और ये जो वैल्यू है वो 148 है। मतलब लास्ट टर्म के सहारे एन का वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब आपको याद होगा तो एन माइनस वन ये गुणा में उधर जाएगा भाग में, ये जोड़ में है तो घटा में, फिर से सुनो, जोड़ में है
घटाओ में या गुनाह में भाग में, तो 148 माइनस 4 भागे 3, ठीक है ना। तो n माइनस 1 बराबर 148 में से 4 घटाइएगा तो 144 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 144 आएगा। 3 से भाग लगा दीजिए, 4 3 12 8 3 24, n माइनस 1 इजकल टू कितना हो गया 48, n का वैल्यू कितना हो गया 48 प्लस 1 बराबर, ये 1 उधर चला जाएगा माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा 49, ये आपका n का वैल्यू आया। अब एसन का सूत्र अभी अप्लाई कर दीजिए। एक और सूत्र मैं आपको देता हूँ एसन का, जब आपको प्रथम पद और अंतिम पद पता रहे तो सीधे आपको लिखना है n भागे 2 a प्लस l, l का मतलब लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो जो आपका फर्स्ट टर्म है बस उसको रख दो, ठीक है ना। n का वैल्यू कितना आ गया 49 आ गया। ये शॉर्टकट ट्रिक है, शॉर्टकट सूत्र है, अगर इसमें अप्लाई, ये रूल है एसन का जो आपका बेसिक रूल है वो तो याद ही है आपको, एन भागे 2 वो तो याद करके रखना है, 2a प्लस एन माइनस 1 गुने डिफरेंस, ये तो आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपको आपके पास ये प्रथम पद रहे और अंतिम पद भी रहे तो आप इस सूत्र के सहारे भी निकाल सकते हो। तो प्रथम पद आपको पता ही है 4 है, अंतिम पद तो आपको पता ही है, तो इसका सूत्र होगा एन भागे 2 और a प्लस एल, मतलब प्रथम पद और अंतिम पद, ठीक है। तो प्रथम पद भाई मेरे कितना है 4 है, अंतिम पद कितना है 148 है, 4 प्लस 148, ठीक है। तो ये हो जाएगा 49 अपॉन 2, 4 को 148 में जोड़ेंगे, जोड़ कर इधर लाएंगे तो गुना में आ जाएगा 152, ठीक है। काट देंगे, 7 दो 14, 6 दो 12, तो 49 गुने 76 ये कितना आ रहा है, इसको गुना करना पड़ेगा भाई, ठीक है। 49 गुने 76 को गुना करो, नचा 54, ये चार हाथ में 5, 6 चौक 24 और 5 29, 63 के तीन हाथ में 6 7 28 और 6 आपको 34 हो गया, 4 9 2 9 3 12 6 7 ये 4, ठीक है, 47 24 आंसर आना चाहिए। देखते हैं क्या आंसर, सॉरी हाँ 3 तो रहेगा नहीं, ये 3 ही रहेगा, 37 24 सही, 37 24, ठीक है, ये परफेक्ट आंसर। और समझ गए क्वेश्चन में, समझिएगा थोड़ा सा, एक बार और समझा दे रहा हूँ मैं आपको। जो सीरीज दिया हुआ है इसमें वे प्रथम पद है और ये अंतिम पद है, आपको इसमें ये नहीं पता है कि कितने पद हैं, ठीक है। तो आप n का वैल्यू आप निकाल लोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल n का वैल्यू आप रूल जो आपके पास है Sn वाला Tn वाला जो रूल है Tn के रूल से निकाल लोगे, ये रूल भी मैंने लिख दिया, a प्लस एन माइनस वन गुने टी, इस पर बैठा के n का वैल्यू निकालेंगे। और एक सूत्र होता है Sn का, जब आपके पास प्रथम पद और अंतिम पद इस रूल से भी निकालोगे तो भी निकल जाएगा। तो प्रथम पद और अंतिम पद अगर दिया हो तो बस इसको इसको ऐड कर लो, ठीक है, और n भागे 2 कर दो और ये दोनों को ऐड कर दो, a प्लस एल, ठीक है, आपका आंसर निकल जाएगा, क्लियर। तो इसी तरह का जो क्वेश्चन हैं उसको मैं ये चाहता हूँ कि आप ट्राई कर लें एक बार, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन लिख के बता दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई कर लेना, ठीक है ना। सेम एज इट इज क्वेश्चन सब है ना, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, आप बस ट्राई कर लेना। ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, एपी दिया हुआ है 72 प्लस 70 प्लस 68 प्लस डॉट 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 प्लस 40, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ क्या क्या है इसमें, ए दिया है आपको 72 और डी का जो वैल्यू है वो माइनस में चल रहा है, 70 में से 72 माइनस करिएगा तो बच्चों माइनस तो आएगा। एन का वैल्यू आपको पता करना होगा, ये जो है ये टी एन है, मतलब लास्ट टर्म है, टी एन कहिए या लास्ट टर्म कहिए, दोनों बात बराबर है, ठीक है। तो आप इसके सहारे इस रूल को बैठाएंगे और एन का वैल्यू निकालेंगे, एन का वैल्यू निकालने के बाद सीधे करेंगे एन अपॉन प्रथम पद 72 प्लस 40, ठीक है, बस एन का वैल्यू पता करना है, तो इसको आप बनाएंगे, खुद से बनाएंगे, क्लियर। चलिए तो मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का ही एक और क्वेश्चन है जिसका नाम है 3, 2 का 3 है ये, ठीक। क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, देखिएगा, ठीक। क्वेश्चन कहता है 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 9 प्लस डॉट 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 प्लस 300 थ्री एन माइनस 1 प्लस 3n। सर ये अंत में दो पद क्यों दिया, जस्ट समझ जाओगे तुरंत, ये क्यों दिया, क्यों दिया ये तुरंत समझ जाओगे, ठीक है ना। क्या है, 2 है प्लस 3 है प्लस 5 है प्लस 6 है
प्लस क्या है भाई, 8 है, प्लस 9 है, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस 3n माइनस 1 और प्लस 3n, ठीक है ना। आपको पता है कि इसमें दो सीरीज है, कैसे पता करेंगे सर दो सीरीज, ध्यान से देखिएगा, दो से तीन हुआ है लेकिन तीन से चार होता, फिर चार से पाँच होता, तो इसमें कितने सीरीज है, दो सीरीज है, कितने सीरीज है, दो सीरीज है। दो सीरीज क्या क्या है भाई, तो दो सीरीज में एक ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, दो तीन पाँच, पाँच तीन आठ, ठीक है, और आठ। इसके बाद इसी तरीके से क्या होगा कि जो पहला वाला होगा वो निकल जाएगा, इसका ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना, समझना। तो ये जो एक एपी आपके पास है वो है दो प्लस पाँच प्लस आठ प्लस डॉट 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 थ्री एन माइनस वन, ये एक एपी हुआ। दूसरा एपी आपके पास है तीन प्लस छः प्लस नौ प्लस डॉट 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 थ्री एन। अब दोनों को ऐड करना है, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो एक बात मुझे बताओ कि जब n का वैल्यू m के रूप में है, ठीक है, तो कहीं पर भी आपको n का जो बेसिक वैल्यू है वो नहीं मिलेगा आपको, ठीक। ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो n के रूप में ही रह जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। n नहीं मिलेगा आपको, प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद पता है, इसमें डिफरेंस पता है तीन का, इसमें प्रथम पद तीन है, इसमें भी डिफरेंस पता है, ठीक है। तो ए पी वन ए पी टू मान लो इसमें, ठीक है ना, तो हम लोग सीधे ऐड कर दे रहे हैं, समय देख लें। तो इसका जो प्रथम पद है, प्रथम पद हो गया एन का वैल्यू पता है ना, एन का वैल्यू एन रहने देना है, तो एन अपॉन टू और प्रथम पद, प्रथम पद और अंतिम पद सीधे जोड़ दो, ठीक है, इसको ये ब्रैकेट ले लो, फिर प्लस कर दो एन अपॉन टू, ये आपका प्रथम पद है थ्री प्लस अंतिम पद थ्री एन, ठीक है, बस इसको ऐड कर दो, कुछ मत करो, जो हमने आपको रूल बताया ना, एन अपॉन टू प्रथम पद प्लस अंतिम पद और एन का वैल्यू पता होना चाहिए। तो इसमें तो एन का वैल्यू पता नहीं चलेगा, आप सिर्फ एन को एन रहने देना, ठीक है, एन का वैल्यू आपको नहीं पता चलेगा, इसलिए एन को एन रहने देना है। तो अब जो है प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, एन अपॉन टू, अब यहाँ कर लेते हैं, ये दो है ये तीन है प्लस है, तो दो प्लस थ्री एन और ये माइनस वन रह जाएगा, प्लस एन अपॉन टू, ये तो सेम रह जाएगा, थ्री प्लस थ्री एन, ये ध्यान से देखना। अच्छा देखना ये क्या होता है, ये जो एन अपॉन टू है ये दोनों में है, तो एन अपॉन टू कॉमन ले लो। अब जो बच जाएगा मेरे पास, ये बच जाएगा, दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, प्लस ये थ्री एन बचेगा और इधर वाला आपको प्लस थ्री बचेगा और प्लस थ्री एन बचेगा, ठीक है, देख रहे हो आप, समझ में आ रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हो, एन अपॉन टू ये तीन एक चार हो जाएगा, तो चार प्लस ये तीन तीन छः एन हो जाएगा, ठीक है, देख रहे हो। तो एन अपॉन टू यहाँ दो से दो, दो में चार है, अच्छा चार है छः है, तो चार और छः दोनों में दो कॉमन ले सकते हो, कैसे, तो दो दोनों चार तीन दोनों छः, तो अंदर में बच जाएगा दो प्लस थ्री एन, ऐसे ये काट दोगे तो आंसर आ जाएगा एन इन टू, तो एन वाले को पहले चाहो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो ये आप रख सकते हो। इसको थोड़ा सा बनाने का प्रयास करना अपने से भी, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलो एक बार फिर मैं समझा देता हूँ, इसमें दो एपी, दोनों एपी को मैंने एन अपॉन टू ए प्लस अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म को हमने जोड़ दिया है, एन का वैल्यू एन ही रहने दिया, ए का वैल्यू यहाँ पर हमको दो दिया हुआ था और लास्ट का टर्म ये दिया हुआ था, दोनों को जोड़ दिया, तो एक इसका योगफल हो गया इसका। अब इसका योगफल निकालना था तो फिर वही काम किया, जो एन अपॉन टू है प्रथम पद तीन अंतिम पद थ्री एन, इसको जोड़ के आगे का सॉल्यूशन मैंने कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए और जहाँ नहीं समझ में आ रहा है हमको नोट करके आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, आप बता सकते हैं कि सर ये बात हमको नहीं समझ में आई, बाकी आपको खुद भी समझने का प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी, ठीक है। चलो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो ये टू ख़त्म हो जाता है, क्वेश्चन नंबर टू आपका ख़त्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के साथ, क्वेश्चन नंबर थ्री भी एक क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये थ्री का एन एन पदों का योगफल निकालना है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बस मैं लिख दे रहा हूँ, दिखाना जरूरी है, एक आध क्वेश्चन दिखाना जरूरी है। थ्री नंबर क्वेश्चन है, थ्री नंबर क्वेश्चन में दिया है वन माइनस थ्री माइनस सेवन माइनस एलेवन
और आपको पूछा है एन पदों का योगफल, ठीक है, तो एन को एन ही रहने देना होगा आपको, ठीक है। अब ए का वैल्यू आप पता कर सकते हो कि ए का वैल्यू बताना मुझे, ए का वैल्यू भैया मेरे एक है, और डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू माइनस तीन में से माइनस वन करेंगे तब पता चलेगा, माइनस तीन में से माइनस वन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस चार, ठीक है, डी का वैल्यू पता चल गया। आपको एन पदों का योगफल निकालना साहब, इसको जो है सो बिठाना भी मुश्किल है, तो एन पदों का योगफल निकालना है, तो सिर्फ एन पदों का। अच्छा, आप जो चाहोगे कि सर एन अपॉन टू प्रथम पद और अंतिम पद वाला जो सूत्र हमने बताया आपको वो पता कर, तो यहाँ देखो अंतिम पद का नहीं पता है, ये इन्फाइनाइट है, ठीक है, अंतिम पद कहाँ पे जाके खत्म हुआ ये नहीं पता है, तो एन को एन रहने दीजिए, और जो आपका बेसिक सूत्र है ना एन अपॉन टू वाला, याद है ना एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन गुने डी, इस सूत्र पे आप इसको बिठा दीजिए, ठीक है। तो एस एन का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर होता है एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन गुने डी, होता है ना, ये सूत्र है आपका। तो एन को एन रहने देना है, चूंकि एन का वैल्यू नहीं पता आपको, और आप निकाल भी नहीं सकते हैं, आपको लास्ट टर्म नहीं दिया है, ठीक है ना, एन को एन रहने देना है। तो टू ए का वैल्यू एक है प्लस एन, एन को एन रहने देना है माइनस वन, और डिफरेंस का वैल्यू माइनस चार है, ठीक है, तो ऐसा करके लिखना होगा आपको। तो एन अपॉन टू, ठीक है, तो टू दो को एक से गुना करेंगे दो हो जाएगा, और ये चार प्लस में है अंदर में जाएगा, तो एन के साथ मल्टीप्लाई जब होगा तो प्लस माइनस फोर एन हो जाएगा, और ये माइनस माइनस एक के साथ गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस चार का ही चार हो जाएगा, ठीक है जी। और इसको चाहो तो ब्रैकेट में ले सकते हो, अब ये छोटी ब्रैकेट ले लो, ये रहा, ठीक है भाई, आगे बढ़े। तो ये एन अपॉन टू रख सकते हो, ये देखना ध्यान से, ये दो है, ये बाहर अंदर से ये चार आ जाएगा, तो दो और चार क्या हो जाएगा छः हो जाएगा, और ये माइनस फोर एन रह जाएगा, ठीक है, माइनस फोर एन रह जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, छः है यहाँ चार है, दो कॉमन ले सकते हो, एन अपॉन टू यहाँ टू कॉमन ले लोगे तो ये थ्री हो जाएगा, माइनस ये फोर एन हो जाएगा, ठीक है, ये दो से दो खत्म हो जाएगा, दो से दो खत्म हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पर टू एन रह जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो उसको, एन इंटू थ्री माइनस टू एन, ये आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेके देखा, चले चले भाई, एन तो यहाँ पर थ्री के साथ भी एन है भाई, थ्री के साथ एन कैसे आएगा, एस एन का सूत्र मैंने लिया एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन गुने डी, एन ये रहा टू ए, ए का वैल्यू आपका एक है, यहाँ दो के साथ बैठा दिए, एन माइनस वन मैंने बैठाया, डी का वैल्यू माइनस चार है, ये माइनस चार बैठा दिया आपको, ठीक है जी। तो यहाँ पर दो हो जाएगा, चार को एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर एन आ जाएगा, और ये माइनस वन माइनस वन माइनस माइनस फोर आ जाएगा, ठीक है, इसको बाहर करेंगे तो ये फोर दो के साथ ऐड होगा छः हो जाएगा, ठीक है, आंसर ये रहेगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक, आगे बढ़ते हैं। थ्री का जो बी नंबर क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसे बनाकर देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। आठ है, तीन है, माइनस दो है, माइनस सात है, ठीक है, मैं क्वेश्चन एक बार बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, आठ है, आठ है प्लस तीन है माइनस दो है माइनस सात है, ए का वैल्यू आठ हो गया, बी का वैल्यू हो जाएगा तीन माइनस आठ माइनस पाँच, ठीक है, एन नहीं पता है आपको, एन रहने देना है टू ए प्लस एन माइनस वन गुने डी, इस पर बिठा देना है, और जितना आंसर आपसे सॉल्व हो सके उतना सॉल्व करना है, और जितना नहीं हो सके उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपको बनाना है अपने से, चलिए नहीं भी बनेगा तो टेंशन मत लेना। अब जो क्वेश्चन सब आने वाला है वो आपको पढ़ना है अच्छे से, क्वेश्चन नंबर फोर, ये क्वेश्चन आपके जनरल कंपटीशन में भी बहुत बार पूछता है, सौ और तीन सौ के बीच में
सौ और 300 के बीच में सभी विषम संख्या, विषम संख्या मतलब ओड्स नंबर, ठीक है, 100 और 300 के बीच में सभी विषम संख्याओं का योगफल निकालना है आपको, ठीक है ना। तो सभी विषम संख्या का योगफल कैसे निकलेगा भाई मेरे, तो 100 से लेकर 300 तक में, 100 से लेकर 300 तक में बीच में कह रहा है, 100 को ऐड नहीं करना है, बीच में कह रहा है। तो विषम संख्या कौन होती है आपको पता है क्या? विषम संख्या वही सभी संख्या होती है जो दो से डिवाइड नहीं होती है, ठीक है, जो संख्या दो से डिवाइड नहीं होती उसको विषम संख्या कहते हैं। अब आपको यहाँ पर सीरीज पता करना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है। तो 100 और 300 के बीच में 100 नहीं लेना है, 300 भी नहीं लेना है, उसके बीच में। तो 100 के, इसका मतलब ये है 100 के बाद और 300 से पहले, बीच में का क्या मतलब है, इसके बाद और इससे पहले। तो 100 के बाद पहली विषम संख्या कितनी होती है, एपी लिखेंगे, पहली विषम संख्या 101 होता है, उसके बाद 102 नहीं होगा, 103 होगा, उसके बाद 104 नहीं होगा, 105 होगा, उसके बाद 106 नहीं होगा। इसी तरीके से आप पूरा नहीं लिखो, डॉट 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 करो और अंतिम वाला जो पद है वो पता कर लो। अंतिम वाला पद भाई मेरे कितना है, 299, ठीक है, ये अंतिम पद है। प्रथम पद आपको 101 है और अंतिम पद 299 है, ठीक है, जो विषम है, ठीक है जी, विषम है 100 और 300 के बीच में। तो यहाँ से शुरू करना है, यहाँ पर ख़त्म करना है, मतलब 101 से शुरू करना है, 299 तक ख़त्म कर देना है, जो 100 के बाद होगा 300 से पहले हो जाएगा, ठीक है, जो वैसे जैसा क्वेश्चन ने हमसे कहा। अब हमारे पास क्या क्या है, ए का वैल्यू आपके पास है 101 है, डी का वैल्यू आपके पास है 103 में से 101 माइनस कर दीजिए, अगले में से पिछला को माइनस करेंगे पता चल जाएगा कितना का डिफरेंस चल रहा है। तो 2 का डिफरेंस चल रहा है भाई, अच्छा, हाँ ठीक है, 2 का डिफरेंस चल रहा है। अब जो है समझना है मेरी बात को, n नहीं पता है आपको और एक लास्ट टर्म रहता है जिसके बारे में हमको पता रहता है, tn कहते हैं 299। अब आपको भाई n निकालना पड़ेगा, n पता करना पड़ेगा, n का सूत्र होता है tn वाला जो सूत्र होता है, लास्ट टर्म के आधार पे जो n निकालते हैं हम लोग। तो n बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन गुने डिफरेंस बराबर tn होता है जिसका वैल्यू 299 दिया हुआ। अब ए का वैल्यू आपके पास क्या है वो रख दीजिए, अभी मैं एन निकाल रहा हूँ, एन माइनस वन रहने दीजिए और डी का जो वैल्यू चल रहा है तो यहाँ रहने दीजिए 299, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। तो एन माइनस वन गुने दो, ये 299 में से 101 माइनस कर दीजिए, ये प्लस में था उधर जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 9 में से गया तो 8 हो जाएगा, ये 9 रह जाएगा, 198 आ जाएगा, ठीक है। अब समझ रहे मेरी बात को, n माइनस वन ये दो को उधर ले चलो, 198 इधर गुना में है तो दो से भाग लगा दीजिए, 198 में दो से भाग लगाइएगा तो 9 दुना 18, ठीक है, तो 99 आएगा, n माइनस वन बराबर 99 आएगा, तो n बराबर 99 प्लस 1 बराबर 100 आ जाएगा, n का वैल्यू आपको 100 आ गया, ठीक है, n का वैल्यू 100 आ गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, Sn निकालते हैं। अच्छा, एस एन का सूत्र मैंने अभी एक बताया है, ए एन अपॉन एन भाग दो ए प्लस एन, इस सूत्र का अप्लाई आप कर सकते हो जब आपके पास प्रथम पद और अंतिम पद पता रहे और एन पता रहे। तो प्रथम पद आपको पता है, अंतिम पद पता है और एन का वैल्यू पता है, तो एन की जगह 100 रख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, और ए का वैल्यू आपको पता है 101 है और लास्ट टर्म आपको पता है 299, ठीक है, तो इसको जोड़ भाग लगा देंगे तो 50 हो जाएगा और यहाँ पर 101 को 299 से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 9 10, ये 400 हो जाएगा, 400। तो भाई मेरे 50 को जब 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 20 20,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो नोट डाउन कर लेना, इसको से बनाने का प्रयास भी करना, ठीक है, अच्छी क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं, ठीक है जी, मिटा रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है 101 तथा 900 के बीच में, 101 तथा 900 के बीच में सभी सम संख्याओं का योग। तो 101 से शुरू करना है, 9 से 99 तक जलना है, ठीक है,
999 तक। एपी जो आपको दिया हुआ है 101 से शुरू करना है और 999 के बीच में जाना है, लेकिन सम संख्या, तो 101 के बाद और 999 से पहले, ये तो विषम है, तो इसके बाद ले लेंगे हम। तो एपी जो हमारा हो जाएगा वो सम संख्या लेना है, तो 101 के बाद 102 सम संख्या होगा, 103 नहीं होगा, 104 होगा। पूरा मत लिखो, डॉट 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 करो, अंतिम पद पे आ जाओ। अंतिम पद आपके पास 999 है और उससे पहले आपको आना है, तो 999 तो विषम हो गया, तो 998 आप ले लीजिए, ठीक है। इसी तरीके का ये क्वेश्चन हो गया। आपको यहाँ पर ए पता है, ए तो पता है भाई 102 है, डी भी पता है, आप 104 में से 102 माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि डी कितना है, दो है। अब आपको एन नहीं पता है भाई, एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि एन नहीं पता है। और ये लास्ट टर्म भी लिख लीजिए, लास्ट टर्म का बहुत इंपॉर्टेंस ही है, लास्ट टर्म आपको पता, फर्स्ट और लास्ट और डिफरेंस, ठीक है, फर्स्ट लास्ट डिफरेंस आपको पता है, और एन पता रहना चाहिए हर हाल में, ठीक है। एन आपके पास पता तो नहीं है, एन नहीं पता है तो आपके पास जो लास्ट टर्म का जो सूत्र होता है टी एन, टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन गुने डिफरेंस होता है ना, 9 9 8 हो गया। तो ए का वैल्यू कितना है, 102 है, एन का वैल्यू नहीं पता है आपको, एन को एन रहने देना है, ये प्लस को प्लस रहने दीजिए, एन माइनस वन गुने डिफरेंस को, डिफरेंस कितने का चल रहा है, हाँ भाई डिफरेंस 2 का चल रहा है, तो 9 9 8 लिख लीजिए, तो ये एन माइनस वन गुने 2 998 माइनस, ये प्लस उधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 9 में से 0 गया तो 9 रह जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा, ठीक है जी। अब एन माइनस वन रहने दीजिए, अब यहाँ पर 2 गुना में इधर भाग में ले आइए, तो 4 दुना 8 8 दुना 16, तो एन माइनस वन बराबर 448 है, ये माइनस वन है उधर जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो 449 ये आपका एन का वैल्यू है, एन बराबर कितना आ गया 449, ठीक है। तो एस एन का मैंने सूत्र आपको बताया है, एस एन बराबर क्या होता है यहाँ ध्यान से देखिएगा, एस एन बराबर होता है एन भागे दो ए प्लस एन, अगर आपको प्रथम और अंतिम पद पता रहे तो प्रथम पद और अंतिम पद पता है आपको, एन का वैल्यू है 449/2, और प्रथम पद भाई 102 और अंतिम पद आपको 998, ठीक है। तो 102 को 2 उधर दे देंगे तो 1000 और 100 1100, तो 449 × 1100 / 2, 5 × 10 5 × 10 550 आएगा, 550 को आप इसे गुणा करेंगे 449 से, तो जो आंसर आएगा वो आप लिख कर बताएंगे, क्योंकि लंबा आंसर आएगा, मैं लिखते रहूँ आंसर इतना आना चाहिए, अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो बताइएगा मुझे, इसका आंसर नहीं आ रहा है गुणा कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से सही है। बस कुछ नहीं करना है, सेटअप करना है। क्वेश्चन ने कहा है कि 101 के बाद और 999 के पहले, तो सम लेना है, अगर ये लेना रहता विषम तो ये तो ठीक था, लेकिन सम लेना है तो इसके बाद इससे पहले ले लेंगे, बीच में तो आ जाएगा ना, 102 होगा ना, 102 का अच्छा हाँ ठीक है, 102 104 इस तरह से आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, चलें चलिए तो इसको मिटाते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास में, बहुत अच्छी अच्छी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है, आप बुक ले लीजिए है ना, और बुक लेकर इसको प्रैक्टिस करें। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 10 और 200 के बीच में, 10 और 200 के बीच में सभी ऐसी संख्या पता करना है जो 7 से विभाजित हो, मैं लिख दे रहा हूँ 10 और 200 के बीच में, एपी जो है 10 और 200 के बीच में लेना है आपको, लेकिन शर्त यह है कि 7 से कट जाए, ठीक है। तो 10 तो भैया 7 से नहीं कटेगा, तो 10 के बाद जोड़िए, 10 के बाद आपको 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 होगा, तो 14 ले लीजिए प्लस 7 7 जोड़ते चले जाइए, 21 कर जाएगा प्लस 28 कर जाएगा, 7 से काटना है तो 7 ऐड कर दीजिए, तो 7 से कट जाएगा, पहला हो गया 14, ठीक है ना, 7 इसमें ऐड करेंगे तो 21, 21 में 7 ऐड करेंगे तो 28, ये सब 7 से कट जाएगी। और 200 जहाँ तक सवाल है, तो 200 के बाद नहीं जाना, 200 से पहले आना है, तो 200 में 7 से भाग लगा के चेक कर लीजिए कितना आपको कम करना है, तो 7 × 9 14 6 0 8 7 56 4, ये 4 कम कर दीजिए उसमें तो कट जाएगा, 4 कम कर दीजिएगा तो 100
छियानवे आएगा, ठीक है जी। अब इसमें भी वही कंडीशन है, आपको ए तो पता है प्रथम पद 14 होगा, डिफरेंस पता है 21 में से 7 14 माइनस करिएगा तो 7 होगा, आपको टीएन पता है, टीएन मतलब लास्ट टर्म आपको पता है, लेकिन एन का वैल्यू आपको नहीं पता है, ठीक है। कितने टर्म है ये नहीं पता है ना, कितने टर्म है, यहाँ डॉट 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 कर लीजिएगा, क्योंकि 28 के बाद भी तो आएगा ना, डॉट 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 प्लस वन प्लस 196, ठीक है, 28 के बाद भी तो आएगा। तो भाई यहाँ पर आपको नहीं पता है कि n कितना है, तो n तो पता करना पड़ेगा, n का पता करने के लिए आपके पास जो tn का सूत्र होता है a प्लस n माइनस वन गुने डिफरेंस, तो भाई a प्लस a का वैल्यू कितना है, ये दिया हुआ है आपको, tn जो 196, a का वैल्यू है 14 प्लस n माइनस वन, डिफरेंस का वैल्यू आप ले लेंगे 7 बराबर 196, तो n माइनस वन गुने 7 बराबर 196, 14 को उधर ले जाकर माइनस कर देंगे, 196 में 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 7 को उधर ले जाएंगे भाग में आ जाएगा, 7 7 दूना 14 काट दीजिएगा, और यहाँ 4 6 7 42, तो n माइनस 1 बराबर 26, n बराबर 26 प्लस 1 n बराबर 27, ठीक है। यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, मैं n का वैल्यू यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो n बराबर आपके पास 27 आ गया। अब एस एन का सूत्र हमने आपको बताया है, जब आपको फर्स्ट टर्म और अंतिम टर्म पता रहे एस एन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो n अपॉन 2 a प्लस l मतलब लास्ट टर्म ये जो 96, तो n अपॉन n का कितना वैल्यू निकाल दिए 27, प्रथम पद भाई ये 14 है और अंतिम पद 196, तो 14 प्लस 196, ठीक है 196 है ये, तो 27 भागे दो 14 4 दे दीजिएगा 196 को, अच्छा से लिख दे रहा हूँ, 14 प्लस 196 4 दे दीजिएगा 196 को, तो 210 हो जाएगा, 5 से काट दीजिए 2 से काट दीजिएगा तो 10 गुना 20 5 105, 27 गुने 105, ठीक है 27 और 105 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और देखिए कि आंसर कितना आता है। 27 और 105 को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आना चाहिए 2835, आपके बुक में दिया है 2835, ठीक है 2835 सही आना चाहिए, 2835 आ जाएगा, होना करिएगा तो चलिए, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, आगे कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर में बच गए हैं वो मैं कंप्लीट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में।